अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, और वो है कि अफोर्डेबल आप स्टार्टिंग मेकअप बिगनर्स किट कैसे बना सकते हैं। जो लोग मेकअप में बिल्कुल नए होते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि वो किस तरह से मेकअप स्टार्ट करें, कैसी किट बनाएं जो अफोर्डेबल भी हो सऊदी अरब में रहते हुए, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर बनाई है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम मेकअप में बात करते हैं फाउंडेशंस की। तो फाउंडेशन जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है एसेंस कंपनी का, ये है मेकअप, इसका नेम है स्टे ऑल डे 16 आवर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप। और जो मेरे पास ये शेड है 10 सॉफ्ट बेज, और इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं। इस ये आपको अपनी स्किन टोन के मुताबिक आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब बात होती है इसकी कवरेज की कि ये किस तरह की इसकी कवरेज है। तो कवरेज में ये मीडियम कवरेज देता है, ये फुल कवरेज नहीं देता। लेकिन इसका जो प्लस है वो ये है कि ये इजीली अप्लाई हो जाता है, इसकी ब्लेंडिंग भी इजी है, और सबसे बड़ा प्लस तो ये है कि बहुत अफोर्डेबल है और स्किन के लिए भी हार्मफुल नहीं है, क्योंकि एसेंस एक रिलायबल ब्रांड है और मैंने इसको यूज़ किया है, स्किन भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती मेरी, हालाँकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है। फाउंडेशन के बाद अब जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ब्लशर्स। ब्लशर्स में सेम मैं एसेंस ब्रांड के ब्लशर्स रिकमेंड करती हूँ। उसमें मेरे पास दो शेड हैं जो कि इसकी मैट टच ब्लश की रेंज में है, एक पिंक है और एक पीच है। पिंक जो ब्लशर है ये आप इसको करीब से देख सकती हैं, इसका नेम है 20 बेरी मी अप, और ये पिंक कलर का है। बहुत ही अच्छा पिंकिश सा जो है वो आपकी चीक्स को कलर देता है। इसके अलावा पीच में जो है मेरे पास शेड, उसका नेम है 10 पीच मी अप। ये भी बहुत अच्छा शेड है, आप इसको भी कंसिडर कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको मैट ब्लशर्स नहीं पसंद और आपको थोड़ा अंदर शिमर भी पसंद है ब्लशर्स के साथ, तो इसी एसेंस ही की रेंज में और एक ब्लशर इस तरह से भी आते हैं जिनमें थोड़ा शिमर होता है, आप वो भी ले सकती हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस, आपको जिस तरह से भी अच्छा लगता है। अब ब्लशर्स के बाद बात होती है लिपस्टिक्स की। लिपस्टिक्स में मैं आपको दो ब्रांड्स रिकमेंड करती हूँ जो कि अफोर्डेबल हैं, एक तो है वेट एंड वाइल्ड और दूसरा है एसेंस ब्रांड। इनकी लिपस्टिक्स, इस पर मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने लिपस्टिक के स्वाचेस भी दिखाए थे आपको, और वो काफ़ी डिटेल वीडियो आप मेरी वो चेक कर सकते हैं। ये बहुत अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं दोनों, वेट एंड वाइल्ड, और इसमें मेरे पास तो ज़्यादातर मैट लिपस्टिक्स ही हैं क्योंकि मुझे मैट पसंद है। लेकिन इनकी रेंज में पूरा आपकी ग्लॉसी लिपस्टिक्स भी हैं और लिक्विड लिपस्टिक भी हैं, और वो उनकी प्राइस रेंज भी तकरीबन सेम ही है। तो आप अगर आपको वो लिपस्टिक्स पसंद हैं, ग्लॉसी लिपस्टिक पसंद हैं, तो आप वो भी कंसिडर कर सकती हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मेरा सिर्फ मकसद आपको एक आइडिया देना है, हिंट देना था कि आप किस तरह से अपनी किट में ये चीज़ ऐड कर सकती हैं। अब इसके बाद बात होती है आई मेकअप की। आई मेकअप में सबसे पहले मैं जो चीज़ आज रिकमेंड करूँगी वो है एसेंस का मस्कारा, कि आप क्लोज़अप देख सकती हैं। इसका नाम है गेट बिग लैशेस वॉल्यूम बूस्ट मस्कारा क्लम फ्री, कुछ ये इस तरह से आता है, इसका इस तरह से ब्रश होता है, और मैंने इसको पर्सनली यूज़ करके देखा है, ये बहुत अच्छा है अफोर्डेबल प्राइस में, ये बहुत अच्छा है। एसेंस के जो में बहुत ज़्यादा वाइड मस्काराज की रेंज है और ये बहुत अफोर्डेबल है, तो आप इसके अलावा भी दूसरे इसी रेंज में दूसरे मस्काराज भी चेक कर सकती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि उसको अफोर्डेबल रेंज में किस मस्काराज की तरफ जाना चाहिए, तो मैं हमेशा एसेंस के ही मस्काराज को रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये बहुत चीप अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल सकते हैं। अब बात होती है आईलाइनर की। तो आईलाइनर का, कुछ लोगों की आंखों पे आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग काजल लगाना पसंद करते हैं, कुछ लोग आई पेंसिल लगाना पसंद करते हैं, ये भी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। एसेंस में मेरी आंखों पे लाइनर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये एसेंस का ये लिक्विड इंक आईलाइनर, ये एक आता है इस तरह से, ब्लैक में है ये, ब्लैक कलर में, तो ये मेरी कलेक्शन में छोटू सा है, आराम से आप इसको अपने पर्स या बैग में भी रख सकती हैं। और अगर आप काजल या पेंसिल्स वगैरह लगाती हैं तो सेम एसेंस और वेट एंड वाइल्ड कंपनी में इनकी पेंसिल्स भी हैं, आप वो भी रख सकती हैं इसकी जगह। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको आईलाइनर सूट नहीं करता तो आप आईलाइनर ज़रूर लें। ये आपकी अपनी बेसिकली मेकअप किट में आपकी
बेसिक जो चीज़ें होती है प्रोडक्ट्स, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं कि आपका फेस किस टाइप का, आपको किस तरह की चीज़ें सूट करती हैं। इस किट में मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ब्रांड्स का बता रही हूँ कि जो अफोर्डेबल है सऊदी अरब में और रिलायबल भी हैं, और आप इसको ईजिली अफोर्ड भी कर सकती हैं और गेट भी कर सकती हैं। अब अगेन यही बात जो मैंने पहले कही थी कि हर फेस डिफरेंट होता है, कुछ लोगों की आईब्रोज जो हैं वो बहुत थिक और शार्प होती हैं, कुछ लोगों की आईब्रोज बहुत हल्की होती हैं, मेरी आईब्रो बहुत हल्की है तो मेरा मेकअप कंप्लीट नहीं होता अगर मैं अपनी आईब्रोज डिफाइन ना करूँ प्रॉपर। तो आईब्रो को डिफाइन करने के लिए मैंने ये एक एसेंस कही मेक मी ब्रो के नाम से मस्कारा रखा हुआ है, ये लिया है मैंने, ये बहुत अच्छा है। इसको मैंने अप्लाई करके देखा था, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, एकदम बहुत अच्छी लुक आती है। और मुझे पर्सनली पेंसिल्स इतनी पसंद नहीं है, मैं पेंसिल्स ज़्यादा शौक से यूज़ नहीं करती कि मुझे लगता है वो थोड़ी हार्श लुक देती हैं, लेकिन अगर आपको आईब्रो पेंसिल्स आपको ज़्यादा बेहतर लगती हैं तो आप सेम ब्रांड्स में आईब्रो पेंसिल भी चेक कर सकती हैं। और अगर आपकी वैसे ही आईब्रो बड़ी डिफाइन सी है और बुशी है और आपको महसूस नहीं होता कि आपको ज़रूरत है ये ख़रीदने की, तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। आखिर में सेकंड लास्ट में जो इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी वो है कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है क्रिस्टाइन की फेस कंटूरिंग, क्योंकि मैं कंटूरिंग पे ये भी बहुत क्रिस्टाइन का मेकअप जो है वो पाकिस्तान में भी है बहुत, और यहाँ पे भी क्रिस्टाइन का मेकअप मिलता है। मुझे उम्मीद है कि ये किट आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये मैंने पाकिस्तान से बाय की थी। इसमें दो कलर्स हैं, एक लाइट ब्राउन है एक डार्क ब्राउन है, और इसको मैं मल्टीपर्पज़ यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी मैं इसको आई डेप्थ के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। इस आज की जो वीडियो है इसमें मैंने आपको आई शेडो पैलेट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि स्टार्टर्स में अक्सर ये होता है कि स्टार्टर्स समटाइम्स आई शेडो अप्लाई करना उनको इतना अच्छा तरीके से नहीं आता समटाइम्स। तो अगर आपको आई शेडो लगाने का शौक है तो मेरी एक अलहदा से वीडियो है जिसमें मैंने स्टार्टर्स के लिए मेकअप आई शेडो पैलेट की रिकमेंडेशन दी थी, तो आप मेरी वो वीडियो भी चेक कर सकती हैं। इस कंटूरिंग किट का प्लस ये है कि मैं इसको एज अ कंटूरिंग भी यूज़ कर लेती हूँ, और इसके जो डार्क कलर का इसमें ब्राउन शेड है उसको अपनी आई को डेप्थ देने के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, एज एन आई शेडो हल्का सा टच देने के लिए। तो ये मल्टीपर्पज़ होता है। तो बाकी जहाँ तक बात रहेगी कंटूरिंग की, तो कुछ लोगों का चबी फेस होता है, उनको कंटूरिंग की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों की चीक बोन्स काफ़ी वेल डिफाइंड होती हैं, जॉ लाइन्स वगैरह, तो उनको ज़रूरत नहीं होती कंटूरिंग की। अगेन इट्स अप टू यू, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूर कंटूरिंग के लिए कुछ लेना चाहिए तो ये एक अच्छी क्रिस्टाइन की, ये जो मेरे पास जो किट का नंबर है वो है 02 शेड, तो ये भी एक अच्छी रिकमेंडेशन है। एक चीज़ जो मैं भूल गई थी आपको बताना, वो लिप्स से रिलेटेड थी। कुछ लोग लिपस्टिक लिप लाइनर के साथ लगाना पसंद करते हैं और कुछ लोग वैसे ही लिपस्टिक लगा लेते हैं। इट्स अगेन इट्स अप टू यू, अगर आप समझती हैं कि आप लिप पेंसिल के बगैर लिपस्टिक आपकी कंप्लीट नहीं होती, तो फिर सेम एसेंस ब्रांड की जो लिप लाइनर्स हैं वो बहुत अच्छी इनकी ऑप्शन है, अगर आप इसके बगैर लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं करते, तो ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगी। लास्ट में जो मैंने आपको रिकमेंडेशन देनी है वो बहुत ही अच्छी, मेरी बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है मेकअप में, और वो है हाइलाइटर की। हाइलाइटर अगर आप दिन में वैसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ हाइलाइटर डे टाइम में ज़रा कोशिश किया करें कि ज़्यादा अप्लाई ना करें, रात के फंक्शंस पे हाइलाइटर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हाइलाइटर में मेरे पास बहुत ही अच्छी ये प्रोडक्ट है, ये मैं बार बार ख़रीदना पसंद करूँगी, और ये है वेट एंड वाइल्ड वालों की मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर है, और इसका नाम है प्रेशियस पेटल के नाम से। ये बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है, बल्कि मेरे पास ये देखें आप दो किट्स हैं मेरी, ये टूट गई थी तो फिर मैंने एक नहीं ली है। ये इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है कि आप इसको हाई एंड मेकअप के साथ भी, जो बहुत महंगे हाइलाइटर्स होते हैं उनके साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इतनी नेचुरल लुक आती है और एकदम इंसान लगा के बहुत ग्लोई और फ्रेश सा चेहरा हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की स्टार्टर्स मेकअप किट, और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए इस तरह की अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।